नमस्कार, आशा मेहता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए मैं आपको आज बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में ब्रेड पकौड़ा बनाना सिखाती हूँ, जो कि आप कभी स्टेशन पे गए हो, कभी बस स्टैंड पे खाया हो तो उनका अलग ही टेस्ट होता है। बिल्कुल उसी स्टाइल में मैं आपको बना के दिखाती हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और हमारे घर में तो वो बहुत पसंद किया जाता है। आप भी बना के देखिए। तो आइए, उसके लिए किस किस सामान की जरूरत है आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, उसके लिए हमने कुछ बेसिक मसाले लिए हैं। ये देखिए, ये आमचूर पाउडर है, ये कसूरी मेथी है, ये अजवाइन है जो कि हमें पकोड़ों में बेसन में जरूर डालनी चाहिए। ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और हाजमा भी हमारा ठीक करती है। ये थोड़ा सा धनिया पाउडर है, ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, ये मैंने हरा धनिया बारीक काट के लिया है, ये थोड़ा सा चाट मसाला है, ये लाल मिर्च पाउडर, ये हरी मिर्च है कटी हुई, और ये साबुत धनिया जिसको खड़ा धनिया भी बोलते हैं, और ये नमक है हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा मैंने हींग लिया है, और थोड़ा सा मैंने गार्लिक जिंजर का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो कूट कर खुद भी बना सकते हैं, ताज़ा भी बना सकते हैं, मैंने ये पेस्ट मेरे पास था तो मैंने ये लिया। और आगे मैं का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ब्रेड पकोड़े का मसाला बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब ऑयल लिया है और हम गैस को ऑन कर देंगे। ये देखिए, और इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग हमारे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है, वो तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और अब हम इसमें जो साबुत धनिया है जिसको खड़ा धनिया भी बोलते हैं वो डालेंगे। इसको अच्छा सा थोड़ा क्रैकल होने देंगे और इस टाइम पे हम हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि कई घरों में तीखा ज़्यादा खाते हैं और कई घरों में कम खाते हैं, तो अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। इस टाइम पे हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। गैस की लो को आप धीमी रखिए ताकि हमारे मसाले जले नहीं और अच्छी मसालों का अरोमा आए। ये देखिए, धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। और अब हम इसमें आलू को क्रश करके डालेंगे। ये देखिए, जो कि मैंने बॉईल करके ठंडे करके लिए हुए आलू, तो हम इसको डालकर इसका अच्छा सा मसाला बनाएंगे जो कि हम ब्रेड पकौड़े में स्टफ करेंगे। ये देखिए, और अब आप इसको लगातार चलाते हुए, इसको दबाते हुए अच्छा सा इसका मसाला बनाएंगे। आप चाहें तो इसको पहले भी मैश करके रख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि इससे हमारे आलू अच्छी तरह भून भी जाते हैं और अच्छी तरह मैश भी हो जाते हैं। आप अच्छी तरह दबाते हुए इनको अच्छी तरह से मैश कीजिए और इस टाइम इसमें हरा धनिया डाल दीजिए आप। इसको आप 2 से 3 मिनट तक लगातार भूनते हुए अच्छा इसका मसाला तैयार करके फिर आप इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए थोड़ी देर। देखिए, आलू हमारे अच्छी तरह मैश हो चुके हैं और इस टाइम पे हम थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी से खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, और थोड़ा सा हम चाट मसाला इसमें डालकर गैस को ऑफ कर देंगे और इस मसाले को ठंडा होने देंगे। तो देखिए, स्ट्रीट स्टाइल ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है ये 2 कप के करीब, जिसमें मैं सारे मसाले मिलाकर इसका एक स्मूथ सा घोल बनाऊंगी। ये देखिए, जैसे आप पकौड़े का घोल बनाते हैं उसी तरीके से आप बनाइए। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, ये सिर्फ कलर के लिए होता है। ये देखिए, अजवाइन इसमें डालूंगी मैं क्रश करके,
अजवाइन आप पकौड़ों में स्किप मत करिए, क्योंकि ये हमारे हाजमे के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर है, ये थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी मैं, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे, और थोड़ा सा एक खड़ा धनिया डालेंगे, ये भी इसमें बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा सा ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखिए छोटा, बिल्कुल छोटा सा, थोड़ा चम्मच, ये देखिए, और इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। पानी आप एकदम से मत डालिए, नहीं तो इसमें लंप्स हो जाएंगे। तो देखिए हमें इस कंसिस्टेंसी का घोल चाहिए, ना ज़्यादा थिक हो ना ही ज़्यादा पतला हो, ये देखिए। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं, और हम ब्रेड पकौड़े की फिलिंग की तैयारी करते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए, और इस पे हम टमाटो केचप लगाएंगे, ये देखिए, आप स्पून की हेल्प से इस पे हल्की हल्की टमाटो केचप लगाइए, आपके पास अगर ग्रीन चटनी है तो आप ग्रीन चटनी लगाइए, वो भी बहुत टेस्टी लगती है, ये देखिए। आप नाइफ की हेल्प से भी लगा सकती हैं, फिंगर से भी लगा सकती हैं, आपको जैसे इजी लगे आप लगा सकते हैं। और इसमें हम अच्छे आलू का मसाला स्टफ करेंगे, ये देखिए, आप अच्छी तरह से आलू का मसाला स्टफ करके इसको अच्छी तरह से दबा दीजिए, ये देखिए। इसी तरह मैं आपको दूसरा करके दिखाती हूँ। आप इसमें मसाला भरने में कंजूसी मत करिए, क्योंकि ये स्टफ, ज्यादा स्टफ ही अच्छे लगते हैं, और इसको अच्छी तरह से दबा दीजिए। और आइए हम अपना बेसन चेक करते हैं, और फिर उसको डिप करके उसमें करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए हमारा बैटर जो है बिल्कुल तैयार है, ये देखिए अच्छी कंसिस्टेंसी का बैटर है, हमें इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए। और इस टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच गर्म ऑयल का डाल देंगे, ताकि हमारे जो पकोड़े हैं कुरकुरे बने, टेस्टी बने। और आप लास्ट में इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर का भी डाल दीजिए, ये देखिए, ताकि ये पकोड़े बहुत अच्छे फ्लफी बने। और आप बेकिंग सोडा डालेंगे तो उससे आपके क्या है, पकोड़े ऑयल भी ज़्यादा पियेंगे, और ऑयल में खिंडते भी हैं, तो आप इस चक करके बेकिंग पाउडर ही डालिए, ये देखिए। अब इसको अच्छी तरह से हिला लीजिए, और अब मैं आपको इसको डिप करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा ऑयल भी बिल्कुल तैयार है तलने के लिए। तो अब ये देखिए मैंने इनमें स्टफ करके मसाला, और इनको 2 पीस में कट कर लिया है, और अब हम इनको जिस तरफ से खुला हुआ है उस तरफ से हम पहले बेसन में डिप करेंगे, ताकि मसाला जो बेसन है हमारा अच्छी तरह से कोट हो जाए, ये देखिए। और इसको हम गर्म ऑयल में डालेंगे, आप ध्यान से डालिए, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा बेसन बना है, क्योंकि इसमें ना तो हमारे छोटे छोटे बेसन के टुकड़े खिंडे हैं, ना पतला है बेसन, ना ज्यादा गाढ़ा है। आप 1 पकौड़ा और भी डाल सकते हैं इसमें, ये देखिए। आप पहले इसके कोने जहां से खुला हुआ है ये, वहां से डिप करिए, आप थोड़ा थोड़ा पकौड़ों पे ऑयल डालते जाइए चम्मच से, ये देखिए, और इसको उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से ब्राउन होने तक पकाइए, ये देखिए। पकौड़ा हमारा अच्छा ब्राउन हो चुका है, ये देखिए हमारे पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इस टाइप पे इसको निकाल लीजिए, और अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं, ये देखिए कितने हैवी बने हैं पकोड़े। तो अब हम इनको काट कर दो पीस कर लेंगे, और फिर इनको एक बार गर्म ऑयल में निकालेंगे, फिर देखिए आप कितने अच्छे लगते हैं और करारे लगते हैं, ये देखिए, और टेस्टी बनेंगे, ये देखिए।
और मैं अब आपको गरम ऑयल में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे कितने सुंदर बने हैं पकोड़े। ये देखिए बस इनको हम 10 सेकंड तक ही तलेंगे और फिर फटाफट से निकाल देंगे। ये देखिए और आइए अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे पकोड़े स्ट्रीट स्टाइल पकोड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इनका एंजॉय कीजिए, साथ में गर्मा गर्म चाय लीजिए और केचप के साथ, मीठी चटनी के साथ। ये ऊपर से जितने करारे हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं पकोड़े और कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए एक एक लेयर दिख रही है इसमें। तो आप भी ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए बारिश के मौसम का पकोड़ों के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। टेक केयर, थैंक यू।